नमस्कार, मैं विद्या झा सालपा किचन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ चटपटा लच्छा आंवला, जिसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये आधा किलो आंवला जो है वो मार्केट से ले आई थी। ये बिल्कुल दाग धब्बे वाले नहीं हैं, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आंवला में जो है वो किसी तरह के दाग धब्बे ना हों। तो ये देखिए, इसे मैंने सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद इसे जो है हमने कद्दूकस कर लिया सारे आंवले को। और ये जो है लच्छा आंवला खाने में इतना चटपटा लगता है कि इसे बच्चे बूढ़े जवान सब बहुत पसंद करते हैं। और क्योंकि अभी जो है ये सीज़न है, ये देखिए ये इस तरह से घिस के तैयार कर लेंगे सारे आंवले को। तो जैसा मैंने कहा, अभी सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप सबसे शेयर करूं। तो ये आधा किलो आंवला मैंने किस करके रख लिया है साइड में, और अब जो है इसमें हम बीट रूट जो आता है उसे हम ऐड करेंगे। तो ये जो है आधा किलो आंवला, उसमें हम जो है, अगर आपका बीट बड़ा है तो आप जो है आधा यूज़ करें, और अगर आपको आंवला आधा किलो है और बीट अगर छोटा है तो आप वो जो है बीट पूरा ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप बीट जो है उतना मात्रा में उसमें दें जब तक कि पूरा आंवला जो है वो रेड कलर ना हो जाए। तो देखिए, ये जो है बीट बड़ा था तो मैंने आधा लिया है। अब इसे हम घिस लेंगे, ये देखिए अब इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे, और उसके बाद जो है इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर देंगे, यानी आंवले में जो है ये कद्दूकस के और हम बीट वो डाल देंगे, और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों की सहायता से। और उसके बाद जो है हम चेक करेंगे कि वो रेड हो गया है। अगर वो आपको लगे कि नहीं पिंक दिख रहा है तो आप उसमें जो है थोड़ा सा बीट और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये लग रहे हैं ना बहुत ही अच्छे, और जितने ये सुंदर दिखने में लगते हैं उससे कई ज़्यादा गुना खाने में लगते हैं टेस्टी। तो देखिए, ये जो है अब मैं इसको ये इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, आपको जैसे ही लगे ना कि थोड़ा कम है, पिंक दिख रहा है, तो आप उसमें जो है थोड़ा सा बीट डालना और ना भूलें, क्योंकि ये क्या होता है, सूखने के बाद थोड़ा सा कलर और लाइट हो जाता है, तो इसलिए हम जो है इसमें शुरू में ही बीट को थोड़ा और ऐड कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम सारे मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसका क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हाफ ऑफ कर लेंगे ताकि उसमें जो मसाले हैं हम अच्छे तरह से मिक्स कर सकें। तो ये देखिए, ये जो है ये मिक्स करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है, यानी कि हल्का पिंक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जो है बीट और मिक्स कर देंगे, तो उससे जो है इसका कलर जो है ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब जो है इसे हम हाफ ऑफ कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसको जो है हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे और ये दोनों हाथों में लेके हल्का हल्का ये इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे, ताकि ये जो है कोई भी इसका जो है टुकड़ा वो वाइट ना रहने पाए। अब जो है इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने जो है 1 बॉल शुगर ले लिया है, लेकिन अपने अंदाजे के हिसाब से मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। ये देखिए, शुगर इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये देखिए 1 बॉल में मैंने थोड़ा सा ही कम छोड़ा है, बाकी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे फिर से हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे। इसका डायरेक्शन जो है वो एक ही दिशा में होना चाहिए, ये देखिए क्लॉकवाइज बिल्कुल। और ये जो है शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए पानी छोड़ रहा है शुगर डालने के बाद, क्योंकि बीट जो है उसका भी पानी है और ये शुगर का भी है। उसके बाद जो है इसमें हम वाइट सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, हाँ, उसके बाद ब्लैक सॉल्ट तो डालना ही डालना है, क्योंकि उससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। और ये देखिए, स्वाद अनुसार मैंने जो है वो प्लेन सॉल्ट डाला है, ये देखिए। उसके बाद जो है मैंने 1 पिंच के बराबर ब्लैक पेपर ले लिया है, और उसके बाद जो है 2 पिंच के बराबर मैंने जो है रेड चिली पाउडर लिया है, क्योंकि ये चिली पाउडर जो है घर का ही है तो बहुत तीखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, आपके पसंद पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है, और उसको फिर से क्लॉकवाइज चलाएं,
आप इस समय जो है चाहे तो हाफ लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो आंवले का जो है स्वाद वो थोड़ा कसेला होता है, तो लेमन जूस ऐड करने से जो है उसका कसेलापन दूर हो जाता है। उसके बाद हम सारी चीज़ को डालते हुए उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसे हम पहले तो घर के टेम्परेचर पे ही रखेंगे और उसे उल्टाते पलटाते रहेंगे किसी भी स्पून की सहायता से या छलनी की सहायता से, जब तक वह शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट इसको धूप में रखने से क्या होगा, इसमें पानी छोड़ देगा, इसलिए जो है इसे हम रूम टेम्परेचर पे अच्छे से मेल्ट होने देंगे पहले। उसके बाद इसे हम 2 से 3 दिन के लिए धूप में सुखाएंगे और किसी परात में जो है उसे बिल्कुल पतला सा सतह करके उसे फैला देंगे, और इसे ज़्यादा धूप नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा भी कड़क नहीं सुखाना है। तो आप 3 से 4 दिन तक इसे जो है बिल्कुल सनलाइट में छोड़ दें, ये देखिए। और उसके बाद जो है 3 से 4 दिन तक सूखने के बाद जो है इसके कलर में चेंज आ जाएगा, और ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये चटपटा आंवला लच्छा बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए और बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।